कह सकेंगे कि फर्ज अदा हुआ, मगर ये यकीन है कि मौसम खत्म हुआ। पहली मुहर्रम से आज रबीउल अव्वल तक 2 महीने 8 दिन आप सब मसरूफ रहे, आप, आपके घर वाले, आपके बच्चे, आपके मातमदार, आपके जाकिर, आपके मुंतजिम, आपके मुअल्लिम, आपके नौहखान सब मसरूफ रहे। ऐसा मालूम होता था कि सब के लिए कोई न कोई खिदमत तजवीज कर दी गई है और सब अपनी अपनी खिदमतों पर मामूर हैं। बस तसल्ली ये है कि वक्त के गुजरने पर भी कम अज कम इस बात का एहसास हो रहा है कि एक ऐसी नेमत जो मुसलसल थी और जो इतने दिनों हम पर मबजूल रही, आज हम आरजी तौर पर उस नेमत से अलहदा हो जाएंगे। ये फराइज हैं जिनको बहुत सूरत अदा करना है और मजहबी फराइज सब के सब तकरीबन ऐसे ही हैं, वक्त के साथ हैं, मौसम के साथ हैं, हालात के साथ हैं। लेकिन चूंकि इन सब की बुनियाद एक ऐसा फरीजा है कि जिसको हालात से, मौसम से, वक्त से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए उस फरीजे की बिना पर ये सारे फराइज अदा होते रहते हैं। वो नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, आप
आपका अज़्म पैगम हो, आपकी सौय मुसलसल हो, आपके मजालिस हो, आपका मातम, आपका गम, आपकी खुशी एक ही बुनियाद पर है और वो बुनियाद मौसम की ताबे नहीं है और वो बुनियाद मौसम की पाबंद नहीं है। रात दिन सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते हर हालत में वो एक फरीदा है जो अदा होना है। वहां मौसम खत्म नहीं होता, वहां चांद निकल के नहीं डूबता, वहां आफ्ताब निकल के गुरूब नहीं होता और वो मोहब्बत है आले मोहम्मद। बहरहाल इसी बुनियाद पर आपको इस एक फरीजे से वाबस्ता कर दिया गया है, आपकी जिंदगी अहम हो चुकी है, आपकी जिंदगी बहुत ही जरूरी हो चुकी है। खुद आपको एहसास नहीं होगा कि आपकी अपनी जिंदगी कितनी अहम है, मगर आपकी जिंदगी के लिए यकीनन कुछ सरपरस्तियां हैं, यकीनन किसी की दुआएं हैं, यकीनन किसी की तमन्नाएं साथ हैं, ताकि आप बेसहारा ना हो जाएं, ताकि आप नाउमैद ना हो जाएं। इसलिए कभी किसी हाल में भी अपने आप को तन्हा ना समझिए, अपने आप को अकेला ना जानिए। हर साल मैं इसी अंदाज में इसी तर्ज से इस तकरीर को शुरू करता हूं और इसी तर्ज से इस तकरीर को खत्म करने का आदी हूं। ये मेरी चूंकि इस फसल की आखिरी तकरीर होती है, इसलिए चंद जरूरी बातें, चंद अहम पैगाम इस तरह से मैं आपको पहुंचाने का आदी हूं। अजीजों, बात यह है कि हम अपनी इस जिम्मेदारी को बड़ी शिद्दत से महसूस करते हैं कि हमने किसी से एक गैर मकतूबी वादा किया है। वो वादा कहीं किसी कागज पे लिखा हुआ नहीं, मगर हमारी फितरत ने वादा किया है, हमारे जमीर ने वादा किया है, हमारी रूह ने वादा किया है, हमारे बातिन ने वादा किया है कि जहरा हम आपके बच्चे को अकेला नहीं करेंगे। बहरहाल इस वादे को पूरा होना है, ये हमारे बातिन का वादा है, हमारे रूह का वादा है, हमारे जमीर का ऐलान है कि हम इस घराने को अकेला नहीं होंगे। और फिर इसी तरह से हमारे बुजुर्गों का शहार रहा, इसी तरह से हमारे आबाए वलीद का शहार रहा, इसी तरह से हमारी नस्लों के तरीके रहेंगे और यह कारवान हयात इसी तरह से गुजरता जाएगा। मैंने मजलिसों में मुख्तलिफ तकरीरों में इस उम्र की वजाहत कर दी है और फिर इस वजाहत को मैं एक मरतबा दोहराना चाहता हूं कि इन मजलिसों का ताल्लुक किसी खास फिरके से नहीं है, इन मजलिसों का ताल्लुक किसी खास तबके से नहीं है, इन मजलिसों का ताल्लुक किसी खास मकतब फिक्री से नहीं है, इन मजलिसों का ताल्लुक आले मोहम्मद के दोस्तों से। वो कहीं रहे, किसी हाल में रहे, किसी फिरके से रहे, किसी मकतब फिक्री से मुताल्लिक है, मगर एक मरतबा जगह दिल ने यह कह दिया कि हम इस घराने को तन्हा नहीं छोड़ रहे, तो फिर मजलिस की दावत उसके लिए आम है। हमने हमेशा एहतराम मेंबर का ख्याल किया है, हमने हमेशा मजलिस की अजमत को पेश नजर रखा है, हमने हमेशा ये सोचा है कि यहाँ आने वाले मोहतरम हैं, या बैठने वाले मोहतरम हैं, या शरीक होने वाले मोहतरम हैं, यहाँ के मातमदार मोहतरम हैं, सिर्फ इसलिए कि हमको चंद ऐसे अकायद सिखलाए गए थे
چند ایسے عقائد بتلائے گئے تھے نہیں چند ایسے عقائد پر ہمارا ایمان رہا کہ ان مجلسوں میں تم تنہا نہیں آتے ہو بلکہ ان مجلسوں میں کچھ اور بھی لوگ شریک ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ اس ایسے یقیناً ذکر کے قابل ہے مگر یہی عقل بھی تو ہے یہی عقل بھی تو ہے عقل اس کے سوا اور کیا ہے ہم حیات محمدی کے قائل ہیں ہم حیات خاتم کے قائل ہیں ہم جانتے ہیں کہ حقیقت محمدیہ ہر مقام پر ہے یہ نہیں کہ جسم کے ساتھ ہے نہیں ذات واجب نے اپنی عبدیت کو اس کمال پر فائز کیا ہے اپنی عبدیت کو اپنے بندے کو اس کمال پر فائز کر دیا ہے ذات واجب نے کہ جہاں یہ طے ہو چکا کہ جب کبھی اللہ کا نام لیا جائے گا اس کے رسول کا نام لیا جائے گا اور جب اس کے رسول کا نام لیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ رسول تنہا نہیں رہیں گے بلکہ رسول کے ساتھ وہ سب رہیں گے کہ جن کی کوششوں نے رسول کے نام کو بلند رکھا جن کی کوششوں نے رسول کے نام کو قیامت تک کے لیے قائم کر لیا تو یہ عقل ہے یہ ذات خاتم جو مقام عبدیت محض پر مقام عبدیت کمال پر فائز ہے جو لائق درود ہے جو لائق سلام ہے جس کا ذکر صبح و شام ہے جو کلمے میں داخل ہے جو اذان میں داخل ہے وہ صرف رسمن داخل نہیں ہے بلکہ اس کا وجود ثابت ہے اور اگر اس کا وجود ثابت ہے تو پھر احترام کی ضرورت ہے عظمت کی ضرورت ہے خیال کی ضرورت ہے مسجد میں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو مسجد کا احترام آپ جانتے ہیں مسجد کے بعد یقیناً یہ مقام احترام کے اعتبار سے مجلس کا ہو جاتا ہے جہاں قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں جہاں رسول کی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں جہاں اس گھرانے کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جس گھرانے نے اپنی بے لوس قربانیوں کے ساتھ دین حق کی خدمت کی اور اسلام کو ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے اس کی بلندی کا انتظام کیا بلندی کا اہتمام کیا عزیزان گرامی اس منزل پر جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا چند باتیں آپ پر واضح رہیں وہ یہ کہ یہ پیغام آج چونکہ ہم بسلسلہ اختتام ایام غم آپ کو دے رہے ہیں یہ کہ آپ نے اپنے فریضے کو ادا کیا اپنی خدمتوں سے آپ الحمدللہ بڑے اطمینان کے ساتھ سبکدوش ہو رہے ہیں مگر ایک بات سنتے جائیے وہ یہ کہ کوشش یہ رہے کہ نسلوں کی تربیت اسی محبت پر ہو بچوں کی تربیت اسی محبت پر ہو گھر والوں کا انتظام یہ ہو کہ آنے والی نسلیں اسی ضمیر کے ساتھ آگے بڑھیں اسی تربیت کے ساتھ آگے بڑھیں اگر وہاں کوتاہی ہو گئی تو یہ ساری محنتیں بیکار جائیں گی اچھا انسان قرآن مجید کے ترجمے کے اعتبار سے سورہ بقرہ کے اچھا انسان اگر دنیا میں کچھ اچھی تجارت کرتا ہے اچھی زراعت کرتا ہے ایک اچھا باغ لگاتا ہے تو اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد بھی طاقتور رہے تاکہ میرے باغ کا انتظام کرے میری تجارت کا انتظام کرے میرے گھر کا انتظام کرے میری جائیداد کا انتظام کرے ایمان سے بڑھ کے بھی کوئی دولت ہو سکتی ہے ایمان سے بڑھ کے بھی کوئی جائیداد ہو سکتی ہے ایمان سے بڑھ کے بھی کوئی تجارت ہو سکتی ہے اس لیے ایمان کی دولت کو سینوں میں لیے ہوئے اگر یہ فکر نہ کرو گے کہ اولاد طاقتور رہے اولاد کمزور نہ ہو اولاد اس پیغام کو آ کے لے کے جائے تو پھر کس طرح یہ پیغام آگے بڑھے گا اس لیے بچوں کی تربیت لازم ہے بچوں کی تربیت لازم ہے اور یہ پیغام کسی خاص فرقے سے متعلق نہیں مسلمانوں کے ہر فرقے سے متعلق ہے کہ ادبو اولادکم علی حب آل محمد اپنے بچوں کی تربیت کرو آل محمد کی محبت کے تربیت یقیناً آپ ہی کو محکم بنائے گی آپ ہی کی کوششوں کو مستحکم کرے گی
आप ही की बनाई हुई इमारतों को बाकी रखेगी। इसके बाद जो अमर काबिल गौर रह जाता है वो ये है कि हम बज़ाहिर इन मजलिसों से जिस कदर इस्तेफादा कर सके, जिन मानी और मतालिब को हम महफूज कर सके, वो यकीनन इस काबिल हैं वो मानी और मतालिब कि उनको बार बार अपने जहनों में दोहराया जाए। आपके पैगाम आप महफूज किए जा चुके हैं, आपकी मजलिसें महफूज हैं, कभी कभी तन्हाइयों में उनको दोहराने की कोशिश कीजिए, उन पर एक नजर डालिए, उनको याद रखिए, इसलिए कि सुनी हुई बातें अक्सर इंसान जहन से उनको निकाल देता है मगर बार बार के सुनने से बहुत सी बातें महफूज रह जाती हैं। इसलिए सुनो, महफूज करो, गौर करो। और यह पैगाम कोई नया नहीं है, तारीख के साथ साथ ये पैगाम भी आगे बढ़ता रहा है कि खत्मी मर्तबत ने अपनी कोशिशों को कामयाब बनाने के लिए, अपनी कोशिशों को कामयाब बनाने के लिए एक ऐसा मुआशरा ढूंढा, एक ऐसा मुआशरा ढूंढा जहां खत्मी मर्तबत ये चाहते थे कि इस मुआशरे में यह पैगाम महफूज रह जाएगा। अगर वो उनके निगाहों में उस मुआशरे के अफराद अजीज थे, अगर उनकी निगाहें ये समझ रही थी कि मैंने जिस मुआशरे को बनाया है वो बड़ा मोहतरम है, तो यकीनन वो हमारे लिए भी मोहतरम है, यकीनन उसकी अजमत भी हम पर साबित है। अपनी मर्तबत ने जो राहें अख्तियार की वो वही रब्बानी से अख्तियार की, जो रास्ता अख्तियार किया वो ताबे मर्जी इलाही था। जैसा कि आप आने वाली महाफिल सीरत और महाफिल मीलाद में सुनेंगे कि वो एक ही हस्ती कामिल है, एक ही हस्ती कामिल है जो मकसद लौलाक है, जो मकसूद कुन फका है, जो वजह ईजाद आलम है, जो इल्लत गाई कायनात, उसी के पैगाम की बका के लिए ये सारा एहतमाम हो रहा था। उसी ने यह चाहा था कि एक ऐसी सूरत भी आ जाए कि जहां सबसे अहम मसला वो तय पा जाए। बंदगी का सबसे अहम मसला यह है कि बंदगी करो और कुर्बानी दो। बंदगी का सबसे अहम मसला यह है कि बंदगी करो और कुर्बानी दो। फसल्ले रब्बे का वनहर, यह एक ऐसा हुक्म है कि बंदगी करो, नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो। यह सजदा और कुर्बानी, यह सजदा और कुर्बानी इब्तिदाए आलम से है। कुर्बानी की मुख्तलिफ शक्लें थी, कभी इंसान को जिंदा जला दिया जाता था, कभी इंसान को पहाड़ों से फेंक दिया जाता था, कभी इंसानों को अपनी हवस की कुर्बान गाहों पर इस तरह से भेंट चढ़ाया जाता था कि दिल यह कहता था कि ये उस देवी के लिए नजर है, इसलिए इस इंसान का लहू बहाया जा रहा है, अपने बच्चों को हलाक कर दिया जाता था। तो कुर्बानी की एक रस्म फितरत इंसान में दाखिल थी कि मुमकिन है मालिक को यह पसंद हो। इब्राहिम के दोनों बेटों ने पहले कुर्बानी ही की रस्म अदा की और एक की कुर्बानी कबूल हुई, एक की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। लम युतअब्बल मिन अलआखर, दूसरे से जब कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो उसने अपने भाई से कहा, चूंकि तेरी कुर्बानी कबूल हो गई है इसलिए मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा इसलिए कि तेरी कुर्बानी कबूल हुई है, इसलिए कि तू अल्लाह के पास मुमताज है, इसलिए कि तू अल्लाह के पास सरबलंद है, इसलिए कि तेरा राबता अल्लाह के साथ है, इसलिए मैं इस हसद को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं तेरे वजूद को मिटा दूंगा। पहला हसद का शायबा यहीं से शुरू हुआ कि तुझको अल्लाह के पास बुजुर्गी क्यों है। भाई ने भाई को कत्ल कर दिया, दोनों की कुर्बानियां कबूल हो जाती तो शायद ये जज्बा इस तरह से काम न करता, मगर कबूल किया उसी से जिसकी नीयत सादिक थी, जिसका इरादा मुकम्मल था, जिसका अज़्म यकीनी था, जिसके नजर में खुलूस था। और इन नमा यतकब्बल अल्लाह मिनल मुत्तकीन, अल्लाह कबूल करता है साहिबान तक्वा से, अल्लाह कबूल करता है उनसे जो अल्लाह से डरते हैं।
यही कुर्बानी की रस्म थी जो पदवे आदम से चली और आगाज इंसानियत के साथ बढ़ी और हर दौर में यह कुर्बानी की रस्म अदा होती रही। अगर मंजिल खातम पर कुर्बानी का कोई मोहतम विशान कारनामा न होता तो दुनिया यह कहती कि सब कुछ है मगर कुर्बानी का इंतजाम न था। इसलिए इस कुर्बानी के लिए अपनी मरतबत से तैयारियां शुरू की और कहा कि एक ऐसी कुर्बानी चाहिए कि जो कयाम कयामत तक यादगार रहे, एक ऐसी कुर्बानी चाहिए जिसका तस्करा हर दौर में रहे, एक ऐसी कुर्बानी चाहिए कि जिसका जिक्र बार बार किया जाए। इसलिए तमाम उलमा इस्लाम ने कहा, शाह अब्दुल अजीज दहलवी ने कहा कि खत्मी मर्तबत ने अपनी जात के लिए पसंद किया शहादत को, मगर चूंकि 23 साल की मोहलत में तबलीग से फुर्सत न मिली इसलिए अपने दोनों नवासों को शहादत के लिए पसंद किया। एक को शहादत सिगरी अता की, एक को शहादत जहरी अता की। एक के लिए तय पाया कि तुम जहर पी के सो जाना, एक के लिए तय पाया कि तुम तह तेर गला रख देना। इस शहादत सिगरी व शहादत जहरी की मंजिल पर फातिमा के दो बेटे चुन लिए गए। और ये वो कुर्बानी की मंजिल थी कि जहां हम बार बार हसन और हुसैन का नाम सुनते हैं। दुनिया मातम के मौके पर हसन हुसैन का नाम सुन के परेशान हो जाती है, उसको परेशान होने की जरूरत नहीं। ये उनके नाम हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी। मातम इसलिए किया जाता है ताकि कुर्बानी की याद रह जाए। अजीजों, ये वो सिलसिला फिक्र है कि जिसको समझना चाहिए, और वो ये कि खत्मी मर्तबत ने अपने घराने से उन अफराद को चुन लिया कि जिनको कुर्बानियां देनी थी, अपने घराने से चुन लिया, किसी और घराने से नहीं चुना। देखिए, खिलाफत, मुलुकियत, सल्तनत, अमारत, ये सब चीजें मकाम बहस पर आ सकती हैं, मगर मकाम शहादत कोई बहस नहीं रखता। मकाम शहादत मुनफरिद है। और जब चुन लिया इस शहादत के लिए तो फिर यह भी तय कर लिया कि इतने अजीज हो वो शहीद होने वाले कि उनकी शहादत मेरी शहादत हो जाए, उनकी जिंदगी मेरी जिंदगी बन जाए, उनका जिक्र मेरा जिक्र बन जाए। इसलिए उसको मिन्नियत की मंजिल पर फायज किया, हुसैन को मिन्नियत की मंजिल पर फायज किया और ये कहा कि मेरी दुनिया का तो सरमाया यही है, मैंने इस दुनिया से तो यही लिया। चुनाचे सही बुखारी शरीफ में हसन हुसैन के लिए बाब फजाइल जब कायम किया तो मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को लिखना पड़ा कि कितनी मर्तबत ये फरमाते थे, हुमा रैहान अताया मिन अद्दुनिया, यही तो दो फूल हैं दुनिया के मेरे, इन्हीं दो फूलों को तो मैंने दुनिया से चुन लिया है जिनकी खुशबू कयामत तक बाकी रहने वाली है। ये किसी और बाग के फूल नहीं है, ये बाग रिसालत के फूल हैं, क्या जिनको खिजा नहीं आती, जो पजमुर्दा नहीं होते, जो किसी दौर में नहीं सूखते, जो हर दौर में अपनी खुशबू देते हैं। और इस तरह से जब चुन लिया अपने नवासों को तो ये बतलाया कि नवासों को इसलिए चुना है कि इनको घर का दर्द है, इनको घर का ख्याल है। अह घर वाले को घर का ख्याल होता है, बाहर वालों को घर का ख्याल नहीं होता। इसलिए जब वक्त आएगा तो यही बचा ले जाएंगे दीन, मदीना छोड़ देंगे हुसैन इसलिए कि नाना की कब्र महफूज हो जाए, मक्का छोड़ देंगे हुसैन इसलिए कि अल्लाह का घर महफूज हो जाए। क्योंकि जानते हैं कि हुरमत मदीना क्या है, जानते हैं कि हुरमत मक्का क्या है। इसलिए हुसैन ही को यह हक पहुंचता है कि खुल के आके मैदान में लड़ें। सिवा हुसैन के हर शख्स या मदीने में लड़ेगा या मक्के में लड़ेगा, हाँ मक्के की तौहीन हो, हाँ मदीने की आबरू लुट जाए, मगर ये मोहम्मद के नवासे ही का फरीजा था कि मक्के और मदीने को छोड़कर खुले मैदान में आके जान दे दे, ताकि मालूम हो कि आले मोहम्मद ने किस तरह से नाना की मजार को हुरमत की, उसकी हुरमत का ख्याल किया और किस तरह अल्लाह के मकान की इज्जत का ख्याल किया।
हुसैन 28 रजब को मदीने से निकले, तीसरी शाबान को मक्के मौजमा पहुंचे, तीसरी शाबान से आठवीं जिलहिज तक मक्के में रहे, आठवीं जिलहिज को असर के वक्त हुसैन मक्के से जाने लगे। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने रकाब को थाम लिया और कहा, फातिमा की जानी आप जाना चाहते हैं कूफा, शौक से जाएं, मगर फातिमा की जानी ये छोटे छोटे बच्चों को कहां ले जा रहे हैं, बीवियों को कहां ले जा रहे हैं, इनको तो छोड़ जाइए। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मुहितुल इल्म बैन सहाबा हैं, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अदिल्ला सहाबा से हैं, सहाबा किराम से हैं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने रसूल की सोहबत देखी है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हुसैन के मिजाज से वाकिफ हैं। रिकाब अकदस को बोसा दे के कहा, फातिमा की जानी आप जरूर जाएं, बहनों को ना ले जाएं, ये फातिमा की बेटियां हैं, ये मोहम्मद की निवासियां हैं, अहले कूफा वफा नहीं करेंगे। कहा इब्न अब्बास, मैंने नाना को ख्वाब में रात को देखा था, फरमाते थे हुसैन जल्दी करो, हुसैन जल्दी करो, इन अल्लाह शान यरा का कतीरा, अल्लाह की मशीयत में ये गुजर चुका है कि तू कत्ल कर दिया जाए, मैं मर्जी इलाही का ताबे हूं। कहा फरमान रसूल, मैं ये कह रहा हूं कि आप जाए, मगर इनको क्यों ले, इनको क्यों ले। तो आहिस्ता से कहा इब्ने अब्बास, इन्नल्लाह शाअ यराहुन्न सबाया, अल्लाह की ये मर्जी है कि ये दरबदर करें। मतलब ये घर से चलते वक्त कभी जहन में ये न रहे कि फर्जंदे फातिमा को इसका इल्म न था कि शहादत होगी, कभी इसका ख्याल न हो कि फर्जंदे फातिमा को इसका इल्म न था कि मैं शहीद नहीं हो जाऊंगा। यहीं से गलती शुरू होती है मक्तल की। जब मदीने से चल रहे थे, जब ही हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा से कह दिया था कि नानी मैं जा रहा हूं वादे को पूरा करने के लिए, और उसी वक्त उनकी नानी ने यह कहा था कि हुसैन तुम जा रहे हो और तुम्हारे नाना ने ये मुझे खाक शीशे में भर के दी थी, ये बता के कि ये मेरे बच्चे के मक्तल की खाक है। समझ रहे, यानी ये नहीं कि मैं पूरे दर्स को दोहरा रहा हूं, मैं आपके हाफिजे को ताजा कर रहा हूं ताकि मालूम हो कि आखिरी तकरीर किन मकासिद को लिए हुए। हुसैन मदीने से जब चल रहे थे, जान रहे थे कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, हुसैन मदीने से जब चल रहे थे, जान रहे थे कि मेरे बच्चे असीर होने वाले हैं, जान रहे थे कि मेरे नाना ने यह खबर उम्मे सलमा से कह दी है, मेरे नाना जानते थे, और अब तक हुसैन की आवाज में, हुसैन के कान में बचपन की वो कैफियत याद थी जब नाना ने ये कहा था कि हुसैन इन्नल्लाह शाओ अंजरा का कतीला, और फिर ये कान्नी बिरासे का ओहिया इला यजीद, हुसैन मैं देख रहा हूं कि तेरे सर को यजीद के पास तो फतन ले गया। फरजंदे फातिमा मुतमईन थे कि क्या होने वाला है, जान रहे थे कि क्या होने वाला है। मोहम्मद हनफिया से कहा, तुम ना आना, मदीने वालों का ख्याल रखना। अब्दुल्लाह इब्ने जाफर तैयार से कहा, तुम ना आना, तुम बाहिम्मत हो, कवि हो, बनी हाशिम तुम्हारे निगरानी में है, बीमार बेटी को छोड़ा ये कह के सफर की ताब न ला सकेगी सोगरा, एक मुसीबत दिल में चाहिए, एक दर्द दिल में चाहिए कि बेटी छूट गई है। आगे बढ़े तो यह भी तय कर लिया कि मुस्लिम साथ न रहे, इसलिए कि मुस्लिम बड़े अहम सिपाही हैं, मुस्लिम बड़े दिलेर हैं, बड़े बहादुर हैं, लड़ाई हुसैन नहीं चाहते,
मुस्लिम को कूहे भेज दिया। इस तरफ के अपने लश्कर को छाटते चले। 1200 से ज्यादा आदमी साथ थे। शब आशूर का आखिरी खुतबा देके 1200 को हटा दिया, 72 को रख लिया। 72 को रख लिया, खेमे दरिया से हटा के 3 दिन की प्यास को लाजमी करार दिया, ताकि कोई ये न कहे कि इनको लड़ना है। लड़ने वाले रह गए थे उनको प्यास की जहमतों ने मारा। क्या कहना शुजात का अली अकबर की, दिल आज भी इस बात का यकीन रखता है कि अगर इस बच्चे को पानी मिल जाता तो यकीन लश्कर शाम फरार इख्तियार कर रहा। बच्चे ने भी अपने बाप से झूठ नहीं कहा था कि बाबा अगर आज पानी मिलता अली अकबर को तो मैं बतलाता बाबा के फौजों का क्या हाल। अकबर को प्यास की जहमत उठानी थी ताकि अली अकबर न लड़े, और अब्बास को यह कह के भेजा कि जाओ भतीजी के लिए पानी लाओ। लड़ने के लिए नहीं भेजा, अब्बास जाके नहर पर सो गए। अब्बास जाके नहर पर सो गए, हुसैन अकेले हो गए। जाते जाते बहन से यह कह के गए कि बहन मेरा काम था काफिले को यहाँ तक लाना, बहन अब तुम्हारा काम है काफिले को यहाँ से कूफा ले जाना, कूफे से शाम ले जाना, शाम से मदीने जाना, मदीने जाकर नाना को मेरा सलाम। शाम हुई, कयामत की शाम थी। खेमे लुट गए, बच्चे तमाचे खाए, बीवियों ने सब्र किया। सुबह आई तो ज़ैनब ने आखिरी निगाह से मरने वालों की लाशों को देखा। कूफे आई, कूफे के बाजार में अपने जलाल का इजहार किया, इसलिए कि यही कूफा था जहां अली की बेटी शहजादी कहलाती थी। यही कूफा था कि जहां अली की बेटी को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। कूफे आई, कूफे से शाम आई, शाम में अपना पुरजलाल खुतबा दिया। कैद हुई, कैद की मुद्दत मुख्तसर थी, मगर वो मुख्तसर मुद्दत के जो कयामत तक के लिए याद रह गई, इसलिए कि किसी नबी की किसी उम्मत ने अपने नबी की आल को कैद नहीं किया। अंबियाए मासबक में से किसी नबी की उम्मत ने किसी नबी की आल को कैद नहीं किया। जो मोहम्मद की औलाद थी, जो शाम के कैद खाने में थी, वहां एक छोटी बच्ची बाप को याद करते करते मर गई। उस बच्ची को शाम के जमीन के हवाले किया। काफिला लेके चली, करबला आई, भाई को सलाम किया। करबला में 3 दिन रही, करबला से रुख्सत लेते हुए जब पहुंची रुख्सत के लिए आखिर के लिए, तो भाई से कहा, भाई जा रही हूँ, मदीना जाऊंगी, जाके घर वालों को देखूंगी, बीमार बेटी को देखूंगी, मगर भाई वादा करती हूँ तेरी बेटी को शाम में अकेला नहीं छोड़ूंगा।
یہ ہے مدینہ آئیں مگر عجیب بات یہ ہے کہ جب کربلا سے چلنے لگیں تو ایک اور امانت کو حسین کے حوالے کر دیا جب قافلہ جا رہا تھا مڑ کے دیکھا کہ بیبیاں تو سب سوار ہو گئیں مگر ایک بیبی قبر سے لپٹی ہوئی رو رہی ہے کہ پوچھا یہ کون بیوی رہ گئی ہے تو لوگوں نے کہا یہ ام رباب ہے یہ علی اکبر کی ماں ہے ناقے سے اتری آئی اور کہا بھابی چلنے کا ارادہ نہیں ہے مدینہ نہیں چلیں گی تو رو کے کہا شہزادی مدینے میں میرا کیا کام ہے مدینے میں میرا کیا کام ہے میرا والی یہاں ہے میری بیٹی شام میں ہے میرا چھوٹا بچہ یادو ہے بیوی مر نہیں آؤں گی روانہ ہوا مدینے پہنچے اس کے بعد مدینے والوں کو خبر ہوئی کہ زینب آ گئی مدینے میں جاتے جاتے بے اختیار خیال آیا کہ اہل مدینہ تو پوچھیں گے تو زینب در بدر پھر کے آئی زینب بازار میں جا کے آئی آپ نے بیمار کو بلایا کہا بیٹا میں کیا کروں اگر اہل مدینہ پوچھے شاید فرمایا پھپھی اماں ماں حوضہ رضائل ہونا بل حوضہ فضائل ہونا پھپھی اماں یہ ہماری ذلت نہیں ہے یہ ہمارے لیے فضیلت ہے آپ نہ گھبرائیں پھپھی اماں اب یہ تذکرہ قیامت تک ہوتا رہے گا اب یہ تذکرہ عزت کے ساتھ ہوتا رہے گا اب یہ تذکرہ رفعت کے ساتھ ہوتا رہے گا اللہ آئیں نانا کو سلام کیا صغرا کو دیکھا عزیزوں کو دیکھا سبوں سے باتیں کی اور پھر جو کچھ کہنا تھا وہ دل میں لیے رہ گئی یعنی جب کربلا سے چلی تھی وہ چپ ہوئی تھی تو ایسی چپ ہوئی تھی کہ پھر زینب کو کسی نے بولتے ہوئے نہیں سنا تھا یا تو کوفہ میں خطبہ دیا یا دربار میں خطبہ دیا مگر کسی سے شکایت زینب نے نہیں کی کیا شکایت کرتی ام کلثوم چھوٹی بہن تھی بچے چھوٹے تھے عابد بیمار بھتیجا تھا کنبے کی سردار کس سے شکایت کرتی اس لیے چپ تھی کبھی کچھ نہیں کہا یہاں تک کہ نانا کے روزے پہ بھی آئیں تو اشارتاً کچھ کہنا چاہا مگر اطراف دیکھ کے پھر چپ ہو گئیں مگر شام کو جب آئیں تو ایک مرتبہ رو کے کہا بیٹا اب تو جاؤں گی ماں کی خبر اب یہاں سے میری دعائیں ہوں گی آپ کے ساتھ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے اللہ آپ کے بچوں کو پروان چڑھائے آپ کی زندگیوں کو کامیاب کرے اللہ آپ کی مرادوں کو بھرلائے اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے اللہ آپ کو پھولنے پھلنے کا موقع دے دیکھو یہ گھر اس منزل پر پہنچ چکا تھا کہ شام ہوئی اور ایک مرتبہ عابد بیمار نے کہا پھپھی اماں اب آپ جا سکتی ہیں تو رو کے کہا بیٹا اکیلے جاؤں گی کسی کو ساتھ نہیں لے جاؤں گی کوئی میرے ساتھ نہیں آئے گا مجھے اپنی ماں سے بہت کچھ کہنا ہے محمل تھی محمل پر سیاہ پردے تھے ایک کنیز ساتھ تھی ساربان تھا آہستہ آہستہ یہ ناقہ جنت البقیع کے قبرستان میں پہنچا دور سے
وقت قبرستان نظر آیا علی کی بیٹی نے محمل کے پردے کو الٹ کے اپنے آپ کو ناک زگیرا دی. اپنے آپ کو ناک زگیرا دیا اور آہستہ آہستہ اپنے گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے قبر تک پہنچی اور جا کے کہا اما زینب جب واپس آنا تو میرے بچے کا لہو بڑا کرتا ہے.